हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको बताऊंगी मैं कि कैसे हम स्ट्रेटनर से बालों को कर्ल कर सकते हैं। ये करना बहुत इजी है, आई एम वेरी श्योर आप वीडियो को देखते ये सीख जाओगे। तो आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ कॉम और स्ट्रेटनर। तो मैंने बालों की यहाँ पे सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने यहाँ फ्रंट से बाल लेना स्टार्ट किए है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बालों के सेक्शन बड़े लेने हैं या छोटे लेने हैं। आपको कर्ल्स उस तरीके से मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना मैंने सेक्शन लिया है बालों का। आप चाहो तो पहले बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, अगर आपको ओवर हीटिंग नहीं कर रही है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, आप डाइट कर्ल भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक बार बालों को स्ट्रेट कर दिया है, देन आप देख सकते हैं मैंने किस तरह रोल किया है। मैंने अंदर की साइड को बाल लिए है, उसको फिर जो बाल मैंने अंदर की साइड से लिए उसको मैंने स्ट्रेटनर के बीच में से निकाला है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे कि मैंने किस तरीके से किया है। एंड देन आपको स्ट्रेटनर में बालों को धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको नीचे को लेके आना है उसको, और जो नीचे के जो आपके एंड्स है वहाँ पे आप बहुत ही धीरे धीरे लेके आए, तभी आपके कर्ल्स जो है वहाँ पे अच्छे से टिकेंगे और बहुत सुंदर बाउंसी कर्ल्स आपको मिलेंगे। तो इस कर्ल को देखने के बाद आपको लगता है कि आपको किसी कर्लर की ज़रूरत है या आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो ये कर्ल्स बहुत सुंदर भी लगते हैं और बहुत देर तक टिकते भी हैं। चलिए फिर से मैंने बालों का सेक्शंस लिया है, मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया है। मैं फिर से देखिए बाल को अंदर लेके आई हूँ, उसको मैंने स्ट्रेटनर से बीच में से निकाला है और मैं उसको फिर बहुत ही धीरे धीरे करके बालों से नीचे लेके आ रही हूँ। बहुत ही धीरे करना है आपको ये, ताकि आपकी जो कर्ल्स है वो बहुत अच्छे से फोल्ड होकर आए और बहुत ही बाउंसी बने वो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जहाँ स्ट्रेटनर मोड़ना है आपका कर्ल वहीं से निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं कितने सुंदर से कर्ल्स हुए हैं। सो मैं इसी तरीके से मैं सारे अपने बालों के कर्ल्स कर लूँगी। तो बहुत ही ईजी है ये करना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आप अकेले कर सकते हैं। ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा पिन चाहिए, कोई क्लचर चाहिए बाल लगाने के लिए। आपको सिर्फ स्ट्रेटनर एंड कॉम, बस ये दो ही चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, और टनैन आप तुरंत कर लोगे इसको। आपको ट्रस्ट मी, आपको इसको करने में 10 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, आप इतनी जल्दी कर लोगे इसको। मेरे बाल थोड़े हैवी है तब जाके मुझे 10 मिनट लगे, तो आप देख लेना अपने बालों के अकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इतने प्यारे आपके बाल लगेंगे। ऐसे आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कर्ल्स करोगे तो। और मेरे पास कर्लर भी है पर मैं उसका यूज़ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बेटर कर्ल्स मुझे उस कर्लर से नहीं मिल सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे कर्ल्स कर लेती हूँ, आप सारे कर्ल्स देखते रहना कि मैं कैसे कर रही हूँ। और जो कर्ल्स मेरे होते जा रहे हैं मैं उन कर्ल्स को हाथों में लेके ठंडा कर रही हूँ, ताकि वो कर्ल्स जो है मेरा लॉन्ग लास्टिंग बन जाए और बहुत ही ज़्यादा बाउंसी दिखे वो, ताकि जितना भी हिलू ढिलू, जितना भी डांस करो, नाचो गाओ, वो कर्ल्स कहीं से कहीं तक ना जाए, वो कर्ल्स लंबे टाइम तक आपके बालों में टिके रहे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा हेयर स्प्रे लगाए हुए। अब मैं एक एक करके बालों के सारे सेक्शंस लेती जाऊंगी और उनको सेम वे में मैं कर्ल करती जाऊंगी, और मेरे सारे के सारे कर्ल्स बहुत ज़्यादा बाउंसी बनेंगे और देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। आप देख लीजिए मैंने हाफ कर लिए, मेरे हाफ रह गए हैं, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, मैंने कॉम्ब और स्ट्रेटनर अलावा कुछ और यूज़ नहीं किया है। तो आप इसको भी बहुत आराम से कर लेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लग रही है या इंटरेस्टिंग लग रही है या आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, सो इस वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर आपको थोड़ी सी मैं अच्छी लग जा रही हूँ या मेरा बोलने का तरीका या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं और वीडियोज़ डालती रहूँगी ना तो आपको उसके नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिल जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए अब सारे कर्ल्स मेरे कितने प्यार से, कितने आराम से हो जा रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट भी नहीं लग रही है बालों में और इतने प्यारे मुझे बिना किसी कर्लर के इतने अच्छे कर्ल्स मिल जा रहे हैं। और वैसे मैंने ऐसे कर्ल्स अपनी ब्राइड के ऊपर भी किए थे, सो आप अपने इंगेजमेंट ब्राइड ब्राइड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो या हेयर स्टाइलिस्ट हो तो उन पर भी ऐसे कर्ल्स कर सकते हो। और अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये कर्ल्स का तरीका कैसा लगा, है ना इजी बिल्कुल भी? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इससे पहले पर आपको आई एम श्योर कि आपको इससे इजी वे आपको नहीं मिला होगा। और पैसों की बचत तो है ही है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर्लर कहीं से ले रहे हैं और ना हमको पार्लर पे जाना है, हमको तो घर बैठना है, 10 मिनट निकालने हैं, कॉम निकालने हैं, स्ट्रेटनर निकालना है और हमको बस ये कर्ल्स आराम से मिल जाएंगे। अब आप देखिए कितने सुंदर बाउंसी कर्ल्स मिल रहे हैं, जितना मर्जी आप बालों को जैसा मर्जी घुमा लो, जैसा मर्जी कुछ कर लो, ये कर्ल्स कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत बार हाथ लगा ला करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कर्ल्स कहीं से कहीं तक नहीं बिगड़ते हैं, ट्रस्ट में। और आप बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं ये कर्ल्स। सो अब आप भी इस तरीके से स्ट्रेटनर से कर्ल्स करने का ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपसे हुए कि नहीं हुए, है ना बहुत इजी।
तो आप चाहो तो अगर आपको और लॉन्ग लास्टिंग करनी है तो आप चाहो तो किसी हेयर स्प्रे का भी यूज कर सकते हो हेयर्स को सेट करने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।